शिवाजी की मूर्ति को लेकर सियासत अभी भी लगातार जारी है क्योंकि महाविकास आघाड़ी लगातार हमलावर है तो महायुति सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों से माफी मांगी है। शिवाजी की मूर्ति क्या गिरी, शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई और चुनाव के वक्त चुनौतियां आसमान पर चढ़ गई। मुख्यमंत्री ने देर रात बड़ी बैठक की और शिवाजी की प्रतिमा गिरने की वजह की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बना दी। फिर मुख्यमंत्री को लगा कि इतने से बात नहीं बनेगी तो उन्होंने माफी भी मांग ली और लगे हाथ विपक्ष को सियासत नहीं करने की सलाह भी दे डाली। विपक्ष को तो मैं ये कहूंगा कि राजनीति करने के लिए तो कई इश्यूज हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी इशू, ये जो इशू राजनीति करने वाला नहीं है और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। वो हमारे लिए अस्मिता का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है और वो कहते हैं कि ये ऐसा करो वैसा करो, तो मैं यही कहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे लिए भगवान है, ईश्वर है, देवता है। उनके सामने, उनके चरणों पर एक बार नहीं 100 बार माथा टेकने के लिए हम तैयार हैं, उसमें हमें कोई कमी नहीं महसूस होगी। दूसरी ओर विपक्ष ने मुद्दे को पूरी मजबूती से पकड़ लिया है, शिवाजी की प्रतिमा के गिरने को शिव भक्तों की भावना और अपमान से जोड़ दिया है। पहली बात तो देवेंद्र फडणवीस जी ने बताना चाहिए कि जो पैरामीटर होता है, जो कुछ उसमें पूरे फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी की गई थी क्या, ये सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। चुनाव को मुद्दे नज़र रखकर हमें ही छत्रपति शिवाजी महाराज के सही हम ही लोग हैं ये दिखाने की कोशिश और वोट का राजनीति करने का काम बीजेपी ने किया था। 8 महीने के अंदर वो भव्य प्रतिमा वहाँ पे गिरने का कारण ही जो है इनकी कमीशन खोरी, जो व्यक्ति से, जो आपटे नाम के व्यक्ति से जिसको अनुभव नहीं, ऐसे व्यक्ति के हाथ से जो मूर्ति बनाई गई वो संघ से संबंधित आदमी है जिसको अनुभव नहीं था। ये अपमान करने का, जब पेशवाई व्यवस्था थी महाराष्ट्र में तो उस समय भी शिवाजी महाराज का अपमान किया गया कि यह पेशवाई के विचार की सरकार है जो आज भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रही है। देवेंद्र फडणवीस भी विपक्ष के हंगामे को चुनावी सियासत बता चुके हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं और नई प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि उनके शिवाजी की प्रतिमा गिर कैसे। मला असं वाटतं की ही जी काही मालवणची घटना झालेली आहे आणि ज्या प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। कोण दोषी आहे त्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे आणि तिथे भव्य पुतळा उभारला गेला पाहिजे। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी देखील सांगितलेलं आहे की आपण नेव्हीला मदत करून त्यांच्या मदतीनं त्या ठिकाणी एक भव्य अशा प्रकारचा छत्रपती शिवरायांचा पुतळा हा उभारणार आहोत। हे जे काही विरोधकांनी सुरू केलेलं आहे, प्रत्येक गोष्टीत राजकारण शोधून काढायचं, प्रत्येक गोष्टीला इलेक्शनच्या चष्म्यातनं पाहायचं, निवडणुकांच्या चष्म्यातनं पाहायचं, हे अत्यंत चुकीचं आहे। माहौल बिगडा किसने, बिगाडा किसने, हम तो यहाँ एक मोर्चा करने के लिए आए थे और यही बात है कि होम मिनिस्टर का जो इलीगल सीएम है वो उन्होंने तो जिम्मेदारी अपनी झटक दी, उन्होंने कहा इंडियन नेवी की बात, तो फिर ये आपने कौन है, इसको कैसे काम दिया गया, किसका दोस्त है, क्या आपके परिवार में किसी किसी का दोस्त है क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है 138 साल हुए हैं अभी तक वहाँ खड़ी है, गेटवे ऑफ इंडिया को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो अभी भी वहाँ है, तो ये मूर्ति जो मोदी साहब ने अनावरण की थी वो कैसे 8 महीने में गिर गया, क्योंकि इसमें घोटाला है, भाजपा ने घोटाला किया। बात इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस सीधा प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कि शुक्रवार को पीएम महाराष्ट्र आ रहे हैं, उससे पहले वो माफी मांगे। जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वागत के लिए, स्मारक के लिए जल पूजन का आयोजन किया था, वो स्मारक तो अभी तक बन भी नहीं पाया मोदी जी, और जो स्मारक आपने मालवण में राजकोट के लिए भी बनाया वो तो 8 महीने में धस हो गया, इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ये साबित हो चुका है। मोदी जी, आप शिव प्रेमी का और महाराष्ट्र की जनता का जो है वो कब जाहिर माफी मांगेंगे।
आपको मुंबई में कल आ रहे हैं, पहले तो आप महाराष्ट्र और मुंबई की जाहिर माफी मांगिए, फिर ही आप महाराष्ट्र में आइए। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत का दिलचस्प पहलू ये है कि अजीत पवार एकनाथ शिंदे से पहले ही राज्य की 13 करोड़ जनता से माफी मांग चुके हैं। मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगतोय, मी या बद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे आणि त्या दैवताचा पुतळा त्या पद्धतीनं असा वर्षाच्या आत ह्या पद्धतीनं ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब आहे। यामध्ये जे कोणी दोषी असेल ते कोणी असू द्यात, वरिष्ठ अधिकारी असू द्यात, खालचे असू द्यात, कॉन्ट्रॅक्टर असू द्यात, तो कॉन्ट्रॅक्टरला तर काळ्या यादीमध्ये टाकला पाहिजे। अजित पवार गुट ने भी शिवाजी की प्रतिमा गिरने के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। आज मुंबई में शिवाजी की प्रतिमा के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की शुरुआत की। ये पूरे प्रोसीजर में जितने लोगों ने काम किया है और कौन सा प्रोसीजर कैसे किधर क्या लैप्स हुई है उसके बारे में पूरी तहकीकात होनी चाहिए और जो भी अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करीब 8 महीने पहले पीएम मोदी ने किया था। मूर्ति को बनाया है जयदीप आप्टे नाम के कलाकार ने। मूर्ति के गिरने के बाद जयदीप आप्टे और चेतन पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। आज पुलिस कल्याण स्थित जयदीप आप्टे के घर पहुंची, लेकिन वो फरार बताए जा रहे हैं। उधर उद्धव गुट पूछ रहा है कि सिर्फ 6 फीट की मूर्ति की इजाजत थी तो 35 फीट ऊंची मूर्ति कैसे बना दी गई? आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपने 13 करोड़ महाराष्ट्र के रहवासियों के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों के भी मन को दुखाया है, दिल को दुखाया है। अगर आप हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते तो आप क्यों सरकार में बैठे हैं? आपको और आपके पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, लापरवाही और उदासीनता का मामला सामने आ रहा है। चुनाव करीब है और शायद महाविकास अघाड़ी को लग रहा है कि शिवाजी की मूर्ति गिरकर उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकती है, इसलिए तीनों पार्टियों ने पूरी ताकत से मोर्चा खोल रखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर जो राजनीति चल रही है उसके बाद आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, उप मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि 6 फीट का ये पुतला होना था, लेकिन जब पुतला बना तो तकरीबन 35 फीट का ये पुतला था। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? क्या इसके लिए जिस तरह की डिजाइन करनी थी, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने थे, परमिशन लेनी थी, वो ली गई? ये सारी चीजों पर सवाल उठ रहे हैं जिस पर ज्वाइंट कमेटी अब जांच करेगी, लेकिन विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक है। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।